अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे मजे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY611 का लेसन नंबर 34 एंड द लेसन इज एथिकल चैलेंजेस इन वर्क सेटिंग्स। वर्क सेटिंग्स में कौन से एथिकल चैलेंजेस हैं जो हमें आ सकते हैं। चैलेंजिंग वर्क सेटिंग द फर्स्ट इज, उन्होंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आपके लिए मेरे लिए खुशी की बात भी है। एज द साइकोलॉजी सब्जेक्ट इज इवॉल्विंग, द नीड ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज बींग फेल्ट इन ईच डिसिप्लिन। साइकोलॉजी की जरूरत हर किसी भी फील्ड में, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है। वहां पे बेशक कोई जो भी आपकी फील्ड है वो साइकोलॉजिस्ट के साथ रेलिवेंट हो रही है या नहीं हो रही, बट वी नीड ऑफ साइकोलॉजी देयर। वहां पे एक साइकोलॉजी की जरूरत जरूर पेश आती है। द डिसिप्लिन सच एज लॉ, बेशक उसमें लॉ है, कोई इंडस्ट्री है, पुलिस है, या कोई भी डिसिप्लिन है, कोई भी फील्ड है, उसमें साइकोलॉजिस्ट के फंक्शन जरूर होते हैं। अब उस पे साइकोलॉजिस्ट के फंक्शंस क्या हो सकते हैं कि सच एज हायरिंग, मेंटोरिंग एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, आप वहां पे हायरिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, या सॉरी मेंटोरिंग के लिए एंड असेसमेंट के लिए, पर्सनल असेसमेंट के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइकोलॉजी के रिलेटेड है या नहीं, वहां पर साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। बेशक वो कोई लॉ का अदारा है, इंडस्ट्री है, या पुलिस इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन में हायरिंग्स हो रही होती है, हर इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट एंगल्स पे चीजों को मॉनिटर किया जा रहा होता है, हर इंस्टीट्यूशन में पर्सनल असेसमेंट की जरूरत होती है। अब लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है कि कुछ एथिकल प्रेशर और चैलेंजेस भी आ सकते हैं डिफरेंट वर्क प्लेसेस में। ठीक है, अब वो हमने देखने हैं कि किस किस्म के चैलेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ तीन डिस्टिंक्ट एरियाज पे फोकस किया गया है कि द स्पेशल स्किल्स आर द कॉम्पिटेंस प्रोफेशनल शुड हैव टू वर्क इन सच सेटिंग, द नेचर एंड डिमांड ऑफ द एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, अ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच द प्रोफेशनल रेंडर सर्विसेज, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ एंड व्हाट सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। आपकी स्किल्स की डिमांड पे, ठीक है, आप ये देखते हैं कि आपको किस एजेंसी, किस ऑर्गेनाइजेशन और किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी सर्विसेज देनी है, और वहां पर आपने केयरफुली अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। हाउ द एथिकल इश्यूज रिलेट टू द पर्टिकुलर नेचर ऑफ द क्लाइंट एंड द प्रॉब्लम, किस तरह एथिकल जो इश्यूज हैं वो क्लाइंट और उसके प्रॉब्लम के साथ पर्टिकुलर रिलेट कर सकते हैं, इस चीज पर फोकस करना है। द सेटिंग्स इन विच द साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग, दे नीड टू फॉलो सम एथिकल गाइडलाइंस। जहां पर भी साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं उन्हें कुछ पर्टिकुलर एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। अब एथिकल चैलेंजेस इन वर्क सेटिंग में सबसे पहले बात हो रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की। अब गवर्नमेंट भी साइकोलॉजिस्ट को बहुत सारे फील्ड्स में हायर किया जाता है एज अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, जिसमें आपकी हो सकता है म्यूनसिपल, स्टेट, फेडरल लेवल्स एंड द डिफरेंट लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो वर्क करते हैं चाइल्ड ब्यूरो में भी करते हैं, जुडिशरी, फोरेंसिक सेटिंग्स में भी, एयरलाइंस एंड सोशल वर्क सेटिंग्स में भी काम करते हैं। एथिकल इश्यूज इन आर्म्ड सर्विसेज, आर्म्ड सर्विसेज में क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं कि देयर आर वैरायटी ऑफ रोल्स दैट बिहेवियरल साइंटिस्ट ट्रेन इन मेंटल हेल्थ परफॉर्म फॉर द मिलिट्री इन द नॉन क्लिनिकल रियलम, इट इंक्लूड्स बोथ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। अब आर्म्ड सर्विसेज में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिक भी के तौर पर भी सर्विसेज देते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। अब क्लिनिकल रिंग में क्या आ सकता है कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साइकोलॉजी की ये होती है कि किसी भी वॉर के टाइम, जंग के दौरान। ठीक है, और नॉन क्लिनिकल में ये रोल होता है कि आप जब भर्तियां हो रही होती हैं, ठीक है, जॉब्स की, उसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत रोल होता है, जो हम ऊपर पढ़ के आए कि वो मॉनिटर करते हैं और पर्सनैलिटी को असेसमेंट करने के लिए, हायरिंग वगैरह करने के लिए, रिक्रूटमेंट में भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसमें लीडरशिप की डेवलपमेंट, टीचिंग इफेक्टिवनेस इन्हांसमेंट वगैरह की जाती है, डिवेलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज ट्रेनिंग, स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद पर्सनल फंक्शन जैसा कि सिलेक्शन, असेसमेंट, क्लासिफिकेशन, हेल्थ रिलेटेड रिसर्च जो भी हो रही होती है उसके अंदर भी साइकोलॉजिस्ट को एज अ फिजिकल फिटनेस, और कोई भी स्लीप डेप्रिवेशन, फटीक का मसला है, ये कुछ हुआ है ना, अल्लाह करे रिकॉर्डिंग ना बंद हुई हो बस मेरी। अच्छा, इसमें भी मतलब के साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। ह्यूमन परफॉर्मेंस रिसर्च, ह्यूमन परफॉर्मेंस रिसर्च में क्या होता है कि जॉब डिजाइन करने में, कोई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है या डिसीजन मेकिंग करनी है, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। हाउ टू डील विद कॉन्फिडेंशियलिटी इशूज, कॉन्फिडेंशियलिटी इशूज को आपने कैसे डील करना है, आसान होने लगे, ये क्लाइंट
कि आप मतलब कि कोई भी मिलिट्री हेडक्वार्टर होता है उसकी प्रोफाइल आपके साथ शेयर की जाती है, और द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन अप्लाइज इन बोथ मिलिट्री एंड द सिविलियन सेटिंग्स. ठीक है, मिलिट्री और सिविलियन दोनों में ही कहीं ना कहीं जो है साइकोलॉजिस्ट को जरूरत होती है, जहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज का भी ख्याल रखा जाता है. तो ये हमारा लेसन नंबर 34 था. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.